नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ओल्ड पेपर हल। आज दोस्तों इसी कड़ी में अपन दूसरा पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर बताते जाना, या लाइव में भी बता सकते हो आप। लाइव में बॉक्स बना रहेगा दोस्तों, ऐसे लाइव चैट का, ठीक है, लाइव चैट का, यहाँ पर आप उत्तर देते जाना। फिर आप मिलान करना कि आप 30 में से कितने सही कर पाते हो। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता या लचीलापन? तो दोस्तों सृजनात्मकता या सृजनशीलता की मैं यदि बात करूं, तो दोस्तों सृजनशीलता में अपन उपलब्ध साधनों से नवीन विचारों को जन्म दिया जाता है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं दोस्तों कौन कौन से हैं, प्रमुख विशेषता या प्रमुख तत्व, तो मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, ये दोस्तों इसके प्रमुख तत्व है। अनुशासन नहीं है, तो बी इसका हो जाएगा। कौन सा तत्व नहीं है? तो अनुशासन नहीं है। नेक्स्ट दो नंबर दोस्तों, जीन प्याजे की थ्योरी से देखिए, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4, 5 या 6? तो दोस्तों जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसकी मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है दोस्तों 2 से 7 वर्ष। तीसरी होती है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। इसके बाद आती है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 11 वर्ष से के बाद, ठीक है। ये टाइम पीरियड भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 4 अवस्थाएं बताई, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंद्रिय जनित जो गामक अवस्था दोस्तों 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, उसके बाद इन्होंने बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 11 वर्ष के बाद, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट 3 नंबर, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालोजी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो दोस्तों ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी ट्रायल एंड एरर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। और दोस्तों इन्होंने अपना ये सिद्धांत है ये किस पर किया था, किस जानवर पर? तो बिल्ली पर किया था दोस्तों इन्होंने। और इस सिद्धांत में दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय जो बिल्ली पर इन्होंने ये सिद्धांत, ये ट्रायल एंड एरर वाला किया था थ्योरी, तो इसमें दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय ये देखना चाहते थे क्या सीखना है इसका संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों, और उसी तरह से मनुष्य का मस्तिष्क है वो भी दोस्तों संबंध स्थापित करके मतलब वर्क करता है। तो ये सिद्धांत है दोस्तों, ये करके सीखने पर बल देता है। किस पर? करके सीखने पर, ध्यान रखना। थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, यानी एक इंसान बार 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 कार्य करता है, गलती करेगा फिर सीखेगा, गलती करेगा फिर सीखेगा, यानी ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। और अंत में दोस्तों वो इंसान उस चीज में पूर्णता हासिल कर लेगा। 5 नंबर है, बिग वे हंट के अनुसार रिक्त स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो दोस्तों ये सीधा सही है इसका उत्तर, किशोरावस्था हो जाएगा। और किशोरावस्था को दोस्तों स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था उफान है, तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि? तो दोस्तों कल आपने टर्मन व मेरिल वाली बुद्धि लब्धि वाली मैंने जो टेबल बताई थी, आपने यदि वो देखी है तो आप बिल्कुल सही कर दोगे इसे।
तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य बुद्धि। किस श्रेणी में रखा जाएगा उसे? सामान्य बुद्धि में रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध करने के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग का दोस्तों विकास के किस क्षेत्र से संबंध है? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक। तो दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों इन्होंने कुछ अवस्थाएं बताई थी, वो है पांच अवस्थाएं। कितनी? पांच अवस्थाएं। पहली अवस्था बताई थी इन्होंने पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरी बताई थी इन्होंने स्व केंद्रित अवस्था, तीसरी बताई थी दोस्तों इन्होंने परंपराओं वाली दोस्तों अवस्था, और चौथी इन्होंने बताई थी आधारहीन आत्म चेतना वाली अवस्था, और पांचवी बताई थी दोस्तों इन्होंने आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था। तो ये पांचों आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो, उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है, यह उदाहरण दिखाता है। सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण या वस्तु का प्रदर्शन। यानी बच्ची ने दोस्तों चिड़िया को तो देख रखा था लेकिन पतंग को नहीं देख रखा था, तो वो पतंग को ऐसे ही कहेगी कि देखो पापा चिड़िया उड़ रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, सम्मिलन। ठीक है, सम्मिलन। सम्मिलन क्या होता है दोस्तों? चीज़ों में अंतर न कर पाना सम्मिलन का उदाहरण है, क्योंकि बच्ची है वो उड़ने वाली चीज़ों में अंतर नहीं कर पा रही थी, वह प्रत्येक उड़ने वाली चीज़ को चिड़िया समझती थी। तो इसे दोस्तों सम्मिलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम्मिलन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नौ नंबर, समाज आर्थिक मुद्दों, सामाजिक आर्थिक मुद्दों। दोस्तों इसको थोड़ा सा ना ये लिखने में प्रॉब्लम है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को किसकी सहायता से समझा जा सकता है? स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्व अधिगम मॉडल से। यानी सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, ऐसे बच्चों को स्व अधिगम मॉडल की सहायता से समझा जा सकता है। दस नंबर है, एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ये सभी हो जाएगा। ये व्यक्तिगत भिन्नता के सारी क्षेत्र है, क्योंकि देखिए दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता की यदि मैं बात करूं तो इस संसार में जितने भी व्यक्ति पाए जाते हैं कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते, सब व्यक्तियों में भिन्नता होती है, इसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। और ये भिन्नता दोस्तों रुचि की दृष्टि से भिन्नता हो सकती है, सीखने की दृष्टि से भिन्नता हो सकती है, चरित्र के आधार पर भिन्नता हो सकती है, व्यक्तित्व के आधार पर भिन्नता हो सकती है, बुद्धि के आधार पर भिन्नता हो सकती है, रंग के आधार पर भिन्नता हो सकती है। यानी किसी भी तरह से दोस्तों दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। 11 नंबर देखिए, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कल दोस्तों मैंने आपको बताए भी थे सारे के सारे सिद्धांत, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना बुद्धि वाला। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड या गेन ने। तो दोस्तों बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत या द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने। और आगे चलकर दोस्तों इन्होंने त्रितत्व सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, और थर्स्टन ने दोस्तों सात योग्यताओं, सामान्य सात योग्यताओं वाला सिद्धांत दिया था। गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत दिया था, त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत दिया था, जिसमें प्रोडक्ट, कंटेंट, ऑपरेशन मैंने बताया था आपको। और गेन्ने ने दोस्तों अधिगम के 8-17 बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन है स्किनर मोदे का। किसका है? स्किनर मोदे का, ध्यान रखना स्किनर मोदे। और स्किनर मोदे ने दोस्तों सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया था, जल्दी से बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। स्किनर मोदे ने
सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया था? स्किनर दोस्तों व्यवहारवादी थे और इन्होंने दोस्तों सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? क्रिया प्रसूत, यानी क्रिया के बाद प्रसूत दिया जाए। प्रसूत का मतलब दोस्तों पुनर्बलन से है, तो व्यक्ति है वो ज़्यादा सीखता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, एक भूल भुलैया से थी जिसमें उन्होंने चूहों को गुजारा था। ठीक है, और यहाँ पर आगे दाने रखे हुए थे दोस्तों कुछ चूहों के, जैसे हाँ आगे ऐसे। ठीक है, और कुछ के आगे नहीं रखे थे। जिनको आगे दाने मिले दोस्तों वो दोबारा प्रयास कर रहे थे बार बार। ठीक है, और वो जल्दी दोस्तों वो रास्ता खोज रहे थे, एक भूल भुलैया ऐसे थी उसमें। और जिनको आगे कुछ नहीं मिल रहा था वो दोस्तों चूहे थोड़े निष्क्रिय हो गए थे। तो इन्होंने कहा कि क्रिया के बाद यदि प्रसूत दिया जाए तो अधिगम जल्दी होता है। 13 नंबर देखिए दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। यानी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो सृजनात्मकता नहीं है दोस्तों, अंतर्व्यक्तिक कौशल, अंतराव्यक्तिक कौशल, भाषात्मक कौशल, ये सारे दोस्तों उसके प्रकार थे, लेकिन सृजनात्मकता नहीं थी। 14 नंबर है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है ये जानना, बच्चे की सीखने में आई कठिनाई को जानना। नेक्स्ट है 15 नंबर, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है, मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या मनोदैहिक। दोस्तों तो ये रॉबर्ट गेने ने 8 प्रकार बताए थे अधिगम के, तो इसमें संकेत अधिगम एक प्रमुख है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पारंपरिक अनुकूलन। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बुद्धि क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर, अभी आप मैंने चर्चा भी की थी थोड़ी देर पहले, तो इसका सी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, 11 वर्ष से 16 वर्ष। नेक्स्ट है, कौन सा सीखना स्थायी होता है, रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर? तो सीधा सही है, समझकर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, विरोधाभास की अवस्था, किशोरावस्था होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या बच्चे की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रिया या भाषण? तो भाषण नहीं है दोस्तों, बाकी सभी सहायक है। नेक्स्ट है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, इवान पेट्रोविच पावलोव ने। नेक्स्ट है, जन्म के समय लगी चोट या भूरण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या चिकित्सा मंदता? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जैविक मंदता कहलाती है, जन्म के समय लगी चोट या भूरण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता जैविक मंदता की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो दोस्तों मैंने अधिगम अक्षमता का वीडियो बना दिया है, आप जरूर देखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा दोस्तों। और ये दोस्तों अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ये अवधान से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों ये डिसलेक्सिया हो जाएगा, अधिगम विकृति। ठीक है, और ये अवधान विकृति दोस्तों सी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान के विकास में है या का विकास में है? शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण दोस्तों, तो फ्रोबेल ने किंडरगार्टन का विकास किया था दोस्तों। किंडरगार्टन का विकास शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों फ्रोबेल महोदय ने किया था। किंडरगार्टन मुख्यतः प्राथमिक स्तर के बालकों की शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 24 नंबर, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है, निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित शिक्षण में किसी प्रमेय को सिद्ध करना संश्लेषण विधि है। ठीक है,
25 नंबर है सीखने का मॉडल जो बच्चे की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का वह मॉडल जो बच्चे को सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, तो रचनावादी मॉडल। क्या हो जाएगा? रचनावादी मॉडल। 26 नंबर है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो दोस्तों संपर्क से होता है सामाजिक अधिगम प्रारंभ। 27 नंबर है बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। दोस्तों ये सिफिलोकोडल प्रोडेक्टिटो मॉडल, ठीक है, सॉरी सिफिलोकोडेटल और प्रोक्सी मोडेटल, दो थ्योरी बताई थी दोस्तों मैंने विकास के सिद्धांत आपको पढ़ाए थे उसमें, ठीक है, तो वो आप जरूर देखना दोस्तों, विकास के सिद्धांत जो मैंने आपको बताए थे, यानी विकास, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का बी, सिर से पैर और शरीर से बाहर की ओर। दोस्तों सिर से पैर की ओर जो चलता है उसे बोलते हैं सिफिलोकोडेटल, और दोस्तों हृदय से जो बाहर की ओर चलता है यानी केंद्र से परिधि की ओर उसे बोलते हैं दोस्तों प्रोक्सीमोडेटल, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 28 नंबर है दोस्तों सवर्ण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। सवर्ण बाधित बच्चों की बात हो रही है दोस्तों, तो सांकेतिक भाषा और ब्रेन लिपि दोस्तों अंधे बच्चों के लिए, और सांकेतिक भाषा दोस्तों सवर्ण बाधित बच्चों के लिए। 29 नंबर है बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। तो दोस्तों सी है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। मैंने आपको दोस्तों बाल विकास वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ वंशानुक्रम है वो दोस्तों बुनियाद का कार्य करता है, वहीं वातावरण है दोस्तों उस बुनियाद को बनाए रखने में कार्य करता है। 30 नंबर है परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।